पुणे में एक और वीकेंड और इस बार मैं अपने फैमिली के साथ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें आलंदी ले जाया जाए, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और जहां मैं रहता हूं वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। मैंने गूगल मैप पर रूट चेक किया तो ट्रैफिक के कारण ये करीब 1.5 घंटे का दिख रहा था। आलंदी जाने के लिए कई रास्ते हैं। जाते समय हमने वाघोली, वाघेश्वर, लोहे गांव, आलंदी मार्ग लिया और आते समय हमने दूसरा मार्ग लिया जो लोनीकंद से होकर आता है। दोनों सड़कें ज्यादातर सिंगल लेन रूट्स हैं और बीच में कुछ खराब पैचेस हैं। जब आप ज्ञानेश्वर मंदिर के सराउंडिंग्स में पहुंच जाते हैं तो आपको ब्रिज क्रॉस करके राइट लेना होगा। आपको सामने इंद्राणी नदी दिखेगी और उसके एडजेसेंट में एक बड़ा पार्किंग लॉट है। फोर व्हीलर के लिए आपको 50 रुपए और दो पहिया वाहन के लिए लगभग 25 रुपए चुकाने होंगे। वहां से मेन मंदिर लगभग 10 मिनट वॉक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जो प्रसाद, पेड़ा, तिलगुल, मूर्तियां, खिलौने और अन्य पूजा की सामग्री बेचते हैं। आलंदी का एक लंबा इतिहास है, लेकिन 13वीं शताब्दी में इसे प्रमुखता मिली जब ज्ञानेश्वर ने 1296 में संजीवन समाधि लेने का फैसला किया। अंबेकर देशपांडे द्वारा समाधि के ऊपर एक मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में हजारों तीर्थयात्री आते हैं, विशेषकर वारकरी संप्रदाय के लोग। हर साल ज्ञानेश्वर की पादुका 21 दिन की पालकी पर आलंदी से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के दिन, जो ज्यादातर जून जुलाई में होता है, पहुंचती है। पालकी प्रोसेशन में अराउंड 150 किलोमीटर की यात्रा में सैकड़ों हजार वारकरी भक्त शामिल होते हैं। आलंदी में सबसे बड़ा त्योहार हर साल कार्तिक वद्य एकादशी पर आयोजित किया जाता है। ये त्योहार उस दिन के करीब आता है जब ज्ञानेश्वर ने समाधि में प्रवेश किया था। इस त्योहार या यात्रा में भी तीर्थयात्री शामिल होते हैं। इतिहासकार राजवाड़े के अनुसार आलंदी गांव मध्यकाल का है। आलंदी गांव का उल्लेख कृष्ण राजा राष्ट्रकूट के तले गांव ताम्रपत्र में मिलता है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ते हुए दिख जाएंगे। ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर परिसर में समाधि, मुक्ताबाई मंदिर, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध अजन वृक्ष और कई छोटे छोटे मंदिर शामिल हैं। समाधि मंदिर परिसर के बाहर कुछ अन्य मंदिर भी हैं। समय की कमी के कारण हम इन मंदिरों के दर्शन नहीं कर सके। इंद्रायणी नदी के तट के पास राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो राम मंदिर के पास है, विठल रुक्मिणी मंदिर, नरसिम्हा सरस्वती मठ और श्री गजानन महाराज मंदिर। आलंदी मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। सुबह की आरती सुबह 7 बजे की जाती है और शाम की आरती शाम को 8:30 बजे की जाती है। आलंदी गांव का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि आलंदी में एक आदमी रहता था जो साधु संतों को परेशान करता था। एक बार मुक्ताबाई के भाई ने उनसे मांडे खाने की इच्छा व्यक्त की, जिन्हें तवे पर सेकना आवश्यक होता है। इसलिए मुक्ताबाई तवा खरीदने के लिए गांव के चक्कर लगाने लगी। उस आदमी ने गांव के सभी कुम्हारों को सूचित कर दिया था कि वे मुक्ताबाई को तवा ना दें, और इसलिए उसे पूरे गांव में तवा नहीं मिल सका। वो रोते हुए खाली हाथ घर आई, क्योंकि उसे लगा कि उसके सबसे बड़े भाई इस बात पर नाराज होंगे। जब ज्ञानेश्वर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुक्ताबाई को सांत्वना दी और योग की शक्ति से उनके पेट में आग जलाई और मुक्ताबाई से कहा कि वो मांडे उनकी पीठ पर सेंके जो तवे की तरह लाल हो चुकी थी। चांगदेव नामक एक वरिष्ठ योगी बाघ पर सवार होकर ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने आए। उस समय ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ एक दीवार पर बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर चांगदेव से मिलने के लिए उस दीवार को ही चला दिया। ये दीवार समाधि मंदिर से 5 मिनट्स की दूरी पर है। पास में ही एक न्यायनेश्वरी मंदिर भी है जो गोविंद महाराज संगठन का एक आधुनिक मल्टी स्टोरी मंदिर है। वहां पहुंचने के लिए आपको इंदयानी नदी पर बने दूसरे पुल को पार करना होगा।
मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पर जहां एक बड़ा हॉल है, उधार ज्ञानेश्वर महाराज, विठल रुक्मिणी और कई अन्य संत और देवी देवता की अलग अलग मूर्तियां देख सकते हैं। शाम के करीब 6 बज चुके थे और हमने लंच भी नहीं किया था। हमने पास के एक होटल में जाने का फैसला किया और अर्ली डिनर कर लिया। उसके बाद हम वापस पुणे की ओर चल दिए और 1 घंटे में पहुंच गए। आलंदी में परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।